यार स्टूडेंट, आज मैं आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है आसन। आसन के बारे में आपने इससे पहले चैप्टर में जो योग का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपने आसन के बारे में पढ़ा था जो कि योग का तीसरा अंग है। तो आसन क्या है? विभिन्न स्थितियों में रखते हुए किसी एक स्थिति में सुखपूर्वक यदि हम शरीर को स्थिर रख सकें तो उसे आसन कहा जाता है। देखिए, बहुत सारे योगी हुए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के आसनों और प्राणायामों को स्वयं के ऊपर, उन्होंने खुद के ऊपर उसका प्रयोग किया है और प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि योगासन के यानी कि आसन के द्वारा हम अपने शरीर, मन और इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं, उसे इसलिए इसे आसन कहा गया है। आसन योग का एक अंग है, इसलिए आसनों को योगासन कहते हैं। योगासन के द्वारा रोगों पर नियंत्रण रखकर आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। जब हम योगासन की बात कर रहे हैं तो योगासन करने के नियम होते हैं। योगासन का लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम उन्हें नियमों के अनुसार करेंगे और विधि के नियमों और विधि दोनों के अनुसार जब हम उनको करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम योग तो डेली करते हैं लेकिन ना तो हम नियमों का पालन करते हैं ना ही उस विधि को हम पूरी तरह से करते हैं तो उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। अगर हम अपने मोटापे से परेशान हैं और हम मोटापे को दूर करने के लिए आसन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम तो डेली आसन करते हैं लेकिन आसन करने से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। वो लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम आसन को, जो हम योगासन कर रहे हैं उसको हम नियम पूर्वक नहीं कर रहे हैं, पूरी विधि के अनुसार उसको नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि योगासन करते में योगासन जो हम कर रहे हैं उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन निर्देशों का पालन करना है। सबसे पहले योगासन जो करना चाहिए वो सूर्य उदय से पहले उठकर करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठकर, ऐसा नहीं है हम सूर्य उदय से पहले तो उठ गए लेकिन हम उठते ही योगासन के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। योगासन करने के लिए सूर्य उदय से पहले उठना है और शौच इत्यादि से निवृत्त होकर, फ्रेश होकर तब हमें योगासन करनी है। सेकंड आता है, यदि हम योगासन स्नान के बाद, नहाने के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप उसको नहाने से पहले भी कर सकते हैं लेकिन नहाने और योगासन करने के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पहले योगासन कर लिया और योगासन करते ही हम नहाने चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। योगासन करने के आधे घंटे बाद नहाना है। आसन हमेशा खाली पेट ही करने चाहिए। केवल एक आसन ऐसा है जिसे खाना खाने के बाद करते हैं, वो है ब्रजासन। नेक्स्ट है कि जब हम आसन करते हैं तो आसन करने के लिए हमें भूमि पर या तो योगा मैट बिछा लेनी चाहिए या कोई कपड़ा, कोई चादर वगैरह हमें उस पर ज़मीन पर, भूमि पर बिछा लेनी चाहिए। उस पर बैठकर ही हमें योगासन करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम जब योगासन कर रहे हैं तो हमें बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। क्या करना है? हमें ढीले ढाले कपड़े पहनकर, मौसम के अनुसार कपड़े पहनकर योगासन करने चाहिए। आसन हमेशा खुले स्थान पर, खुले आसमान के नीचे करना चाहिए। और जब हम आसन कर रहे हों तो सीधी तेज हवा हमारे बॉडी पर नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हम जब आसन कर रहे हैं तो आसन करते समय हमें बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए, टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। आसन करते समय नाक से ही सांस लेनी चाहिए और नाक से ही सांस छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आसन कर रहे हैं, थक गए, हमने मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर दिया, तो मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। अगर हम बीमार हैं तो या हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में कोई भी आसन या प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी
आसन नहीं करें। जब हम आसन करते हैं तो हमें आसन करने में ध्यान रखना चाहिए कि आसन को आसानी से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा झटके अपने बॉडी पार्ट्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं झटकना चाहिए, क्योंकि झटकने से हमारे बॉडी पार्ट्स में मसल्स में पेन हो सकता है। इसीलिए आराम से आसन करने चाहिए। आसन करने का क्रम है वो ऐसा होना चाहिए कि पहले आसन के बाद में विपरीत क्रिया वाला आसन हो, जैसे कि सर्वांगासन के बाद में मत्स्यासन। सभी प्रमुख आसन के पूर्व व अंत में शवासन करना चाहिए। जब भी हम आसन कर रहे हैं तो आसन के पहले और बाद में कि कोई भी आसन हमने करा है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो शवासन करना चाहिए और लास्ट करते हैं किसी भी आसन के, जब हमारा आसन कंप्लीट होता है, हम अपने पूरे आसन कर चुके हैं तो उसके बाद में शवासन करना चाहिए। तो ये कुछ नियम थे जिनका पालन आसन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। आगे आता है, देखो अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि खड़े होकर किए जाते हैं। खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं उनमें आता है त्रिकोण आसन, वीरभद्रासन आसन, वृक्षासन आसन, अर्धचंद्रासन, ठीक है। ये इस प्रकार ये खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं जो आपको अभी पिक्चर्स में दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ खड़े होकर किए जाने वाले आसन में त्रिकोण आसन के बारे में। त्रिकोण आसन में हाथ और पैर के बीच में, यानी कि जब हम खड़े हैं हाथ और पैर के बीच जमीन पर त्रिकोण की स्थिति बनती है। किसकी स्थिति बनती है? त्रिकोण की, इसलिए इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। देखिए मैं आपको अभी इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, ये त्रिकोण आसन की स्थिति है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये त्रिकोण आसन की स्थिति है। इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले या तो उछलकर या बिना उछले दोनों पैरों को लगभग 1 मीटर का अंतर लेते हुए खोलेंगे। दोनों हाथ बाजू में, हथेलियां जमीन की ओर, दोनों हाथों को हम सीधा रखेंगे और हथेलियों को जमीन की ओर रखेंगे। उसके बाद में दाएं पैर के पंजे को दाएं ओर समकोण पर घुमाएंगे, यानी कि 90 डिग्री पर दाएं पैर को हम घुमाएंगे, दाएं ओर घुमाना है, दाएं पैर को दाएं ओर घुमाना है 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है, एंगल पर। उसके बाद में बाएं पैर के पंजे को भी दाएं ओर, दाएं पैर के पंजे को दाएं ओर घुमाया, वैसे ही बाएं पैर के पंजे को भी दाएं ओर ही घुमाना है, यानी कि सीधा कर लेना है। अब क्या करना है? उसके बाद में शरीर को दाएं ओर झुकाते हुए दाएं हाथ को, दाएं ओर झुकाते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर के पास जमीन पर रखना है। हमने शरीर को दाएं ओर झुकाया और दाएं हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास जमीन पर रख दिया, और बायां जो हाथ है उसको सीधा, जैसे आपको पिक्चर में, इसमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है कि बायां हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है, सीधा है, दोनों हाथ दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट हैंड, दोनों एक ही सीध में हैं, जमीन से लंबवत हैं। उसके बाद में जब आप इस पोजीशन में रहेंगे तो आपको अपना जो नी है उसको नहीं मोड़ना है, घुटने को नहीं मोड़ना है। जब इस पोजीशन में हम आ जाएंगे तो जो हमारी दृष्टि है हम देखेंगे किस ओर, हाथ के ऊपर की ओर, जो ऊपर का हाथ हमारा ऊपर जा रहा है ना, उस हाथ की ओर हम देखेंगे। ये होती है इस आसन की पूरी स्थिति। कुछ समय इसी स्थिति में रहेंगे और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अभी हमने इस आसन को दाईं ओर से किया है, उसके बाद फिर इसको बाईं ओर से वैसे ही रिपीट करना है। जैसे दाईं ओर से हमने इसको किया है उसी तरह बाईं ओर से इसे करना है। ये त्रिकोण आसन हुआ। त्रिकोण आसन के देखिए लाभ क्या होते हैं? त्रिकोण आसन के लाभ होते हैं कि इससे यदि किसी व्यक्ति के कमर में दर्द है,
कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कोहनियों या जांघों में दर्द है, तो वो दर्द समाप्त हो जाता है। दूसरा, ये यदि हम बहुत ज़्यादा आलसी हैं, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आलस है, तो इसे इस आसन को करने से आलस दूर हो जाता है। इससे शरीर लचीला बनता है और जो हमारे घुटने होते हैं ना, टखने, वो मजबूत हो जाते हैं। तो ये इस आसन को करने से लाभ हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ, अर्धचंद्रासन। देखिए, अर्धचंद्रासन यानी कि अपने, देखो इस आसन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। शरीर के आकार को अर्धचंद्र, चंद्रमा होता है ना, आधे चंद्रमा के समान उसको करना है। अपने शरीर को चंद्रमा, पूरा चंद्रमा आपने देखा होगा, चंद्रमा का को आधा कर लो, यानी कि अर्धचंद्र के समान अपना शरीर बनाना है, इसीलिए इस आसन को अर्धचंद्रासन कहते हैं। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, देखिए कैसी होती है अर्धचंद्रासन की पिक्चर। ये अर्धचंद्रासन है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये अर्धचंद्रासन है। इसमें इसको करना किस प्रकार से है, सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएं। समस्थिति कैसी होती है, एड़ी और पंजे मिले हुए। समस्थिति कैसी होती है, एड़ी और पंजे मिले हुए, ये समस्थिति है, आपको इसे ध्यान रखना है। समस्थिति एड़ी और पंजों को मिलाकर, हाथों की मुट्ठियां खुली हुई और हाथ शरीर से सटे हुए, हाथों की मुट्ठियां खुली हुई होंगी और जो हमारे हाथ हैं वो शरीर से सटे हुए होंगे, मिले हुए होंगे। उसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे बाजू से होते हुए ऊपर उठाएं, यानी कि दोनों हाथों को धीरे धीरे आपको ऊपर उठाना है। उसके बाद में जब हमने हाथ ऊपर उठा लिए, तो उन दोनों हाथों के अंगूठों के सहारे अपने हाथों को सिर के ऊपर से हमें मिलाना है। सिर के ऊपर से दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाना है, पूरा हाथ नहीं मिलाना है, अंगूठों के सहारे मिलाना है। हथेलियाँ खुली हुई होंगी और एक दूसरे के सामने होंगी। आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप उस स्थिति को करके देखिएगा, तो अंगूठे के सहारे आपके हाथ ऊपर से मिले होंगे, हथेलियाँ खुली हुई होंगी और सामने की ओर हों, एक दूसरे के सामने की ओर होंगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आपको दाईं ओर झुकाना है। ठीक है, किधर झुकाना है, दाईं ओर झुकाना है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। और कुछ समय इसी स्थिति में आपको रहना, चाहिए आप 30 सेकंड होल्ड कीजिए उसको, लेकिन आपको 30 सेकंड इस स्थिति में होल्ड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। उसके बाद में ये इसकी पूर्ण स्थिति होती है, फिर धीरे धीरे हम सामान्य स्थिति में, जैसी हमारी स्थिति पहले थी उस स्थिति में आएंगे, यानी कि हाथ ऊपर, अंगूठे के सहारे मिले हुए, हथेलियाँ खुली हुई और आमने सामने। तो ये हमारी सामान्य स्थिति है, इस स्थिति में रुकेंगे। कुछ पल रुकने के बाद में, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद में, फिर हम इसको बिल्कुल सेम प्रोसेस में हम इसको बाईं ओर से करेंगे, और फिर वहाँ पर भी हमें 30 सेकंड करना है। तो इस तरह से आपको ये आसन करना है। अब इस आसन के लाभ क्या होते हैं, इससे मांसपेशियाँ लचीली बनती हैं, हमारी मेमोरी बढ़ती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, ये इस आसन के करने से लाभ होते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट आसन बता रही हूँ, जिसका नाम है वीरभद्रासन। क्या है, वीरभद्रासन, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आसन है वीरभद्रासन। इस आसन को कैसे करते हैं, या तो उछलकर या बिना उछले, जैसा आपका मन चाहे आप वैसे कीजिए। दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ बाजू में, हथेली जमीन की ओर रहेंगी, यानी कि आप खड़े होकर अपने पैरों को खोल लीजिए, उनमें थोड़ा सा अंतर कर लीजिए और हाथ सटे हुए होंगे। शरीर को बाईं ओर घुमाकर अपनी बॉडी को बाईं ओर नहीं, दाईं ओर, अपनी बॉडी को दाईं ओर घुमाइए, यानी कि दिशा परिवर्तन कीजिए, उसका डायरेक्शन चेंज कीजिए। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो दोनों पैरों के पंजे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार दाईं ओर घूम जाएंगे। उसके बाद में दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और मिला दें,
दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर मिला दें। कोहनी बिल्कुल सीधी रहेंगी, यानी कि आपके जो हाथ हैं, बाजू हैं, वो बिल्कुल सीधी रहनी है, उनको मोड़ना नहीं है। उसके बाद दाएं घुटने को मोड़कर नीचे की ओर दबाएं, अपने दाएं घुटने को मोड़ें और शरीर को नीचे की ओर, जैसे हम बैठते हैं ना, कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन कुर्सी पर हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने दाएं घुटने को मोड़कर नीचे दबाना है। दोनों पैर से नहीं बैठना एक साथ, जैसे आपको इस पिक्चर में पोजीशन दिखाई दे रही है, इस पोजीशन में आपको जाना है। नीचे थोड़ा सा बैंड होना है। उसके बाद बाएं पैर और दाएं पैर की जंघा एक सीधी रेखा में रहेंगी, दिख रही है ना आपको, ऐसे ही आपको रखनी है। ये इसकी पूर्ण स्थिति होती है, पूरी स्थिति है। अभी आपने इसको दाएं ओर से किया है, यही पोजीशन आपको फिर बाएं ओर से करनी है। देखिए, आप कोई भी आसन कर रहे हैं, उस आसन में आपको, उस स्थिति में आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए रुकना है। यदि आप एक साथ इतना नहीं रुकते हैं तो आप धीरे धीरे करके उसके टाइम को बढ़ा सकते हैं। इस आसन को करने के लाभ क्या होते हैं? जांघ और पिंडलियां मजबूत बनती हैं, कंधे मजबूत बनते हैं, साइटिका का दर्द समाप्त हो जाता है और सीना चौड़ा होता है। ये इस आसन को करने के लाभ होते हैं। इसी में आपको एक और बता रही हूँ मैं, खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं उनमें है वृक्षासन। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये वृक्षासन है। इसमें क्या है कि एक पैर पर खड़े रहकर वृक्ष जैसी आकृति बनानी है, वृक्ष जैसी पोजीशन में आना है, इसलिए इस आसन को नाम दिया गया है वृक्षासन। देखिए, एक पैर पर खड़ी हैं और ऊपर हाथ खींचे हुए हैं, तो ये वृक्ष जैसी स्थिति बनाई हुई है, तो ये हो गई वृक्षासन। इसको करना कैसे है? इसके करने के लिए सबसे पहले आपको दाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा पर रखना है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर, सिर के ऊपर लेकर जाना है, धीरे धीरे लेकर जाना है, एक साथ उसको नहीं उठाना, और ले जाकर उन्हें मिला देना है, दोनों हाथों को मिला देना है। उसके बाद अपने शरीर को हाथों से, जब हमने हाथ ऊपर करे तो ऊपर की ओर खींचना है और अपनी सांस को रोक कर रखना है। जब हम शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे तो सांस को रोकना है। ये इस आसन की पूर्ण स्थिति होती है। जैसे हमने इसको दाएं पैर से किया है, वही पोजीशन आपको बाएं पैर से करनी है, यानी कि दोनों पैर से आपको इस आसन को करना है, इस पोजीशन में रहना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी आसन आप कर रहे हो तो आपको उस आसन की पोजीशन में कम से कम 30 मिनट तक रखना है, रहना है, होल्ड करना है, तब उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इस आसन को करने के लाभ क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मानसिक संतुलन ठीक रहता है। जब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपने शरीर को हम ऊपर की तरफ, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो लंबाई बढ़ती है, हाथों की मांसपेशियां लचीली बनती हैं और कंधों का दर्द भी दूर होता है। तो आज मैंने आपको खड़े होकर किए जाने वाले आसन बताए हैं। आप इन आसन को कीजिए और इनका लाभ भी लीजिए, क्योंकि आसन करने से हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, और आसन करना हमारे जीवन में आवश्यक भी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो हमें आसन करने ही चाहिए। थैंक यू।